भारतीय जनता पार्टी की ओर से चिंतपुरी मेडिकल कॉलेज के बदतर हालत का खुलासा किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि वहां मरीजों की देखभाल उचित नहीं हो रही है और ना ही उन्हें अच्छा खाना मिल रहा है। पठानकोट के कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लेकर चिंतपुरी कॉलेज में लेकर जाया जाता, जितों के प्रबंधक बिल्कुल ही माड़े, इतों तक कि रोटी खाने भी जरा सिस्टम है, रोटी का जो सिस्टम है वो बहुत माड़ा है। मैं तो कहना चाहवागा कि जीना जरा अमीर का ही है, गरीबा का नहीं है। अमीर लोग तो फोर्टी से अपना इलाज करा सकते हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल का इलाज करा सकते हैं, पर इतने जरा जो गरीब है उन्होंने भी देखा जाए। सेंटर सरकार को पूरी मदद मिल रही है पंजाब सरकार को, पर अगे जरा पैसा जरा वो खुद खुद होता जा रहा। मैं खुद उत्तर 10 दिन रह गया, मैं पता है जे सवेर का टाइम रोटी का 8 बजे का तो रोटी 10 बजे मिल रही है, जे दोपहर का टाइम 2 बजे का तो रोटी 3:30 बजे मिल रही है, जे रात का टाइम 8 बजे का तो रोटी 10 बजे मिल रही है, पर रोटी भी वो जल्दी खा नहीं सकते। जे आ भी गई है तो बिल्कुल ठंडी रोटी मिल रही है। जो तो सफाई की गल कर लीए, सफाई ना मात्र है, पूछने वाला कोई नहीं, सिर्फ उत्ते स्टाफ जरा नर्सा वो जरूर पूछ आती है, वो तुम जरूर चेक कर आती है। कोई डॉक्टर नहीं उसे मरीजों को देखने आता, पूछे मरीजों कि तुम है तो दिक्कत है, तुम कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दवाई तो नहीं चेंज कर लाती, कोई यहोजी गलबात नहीं है। मैं तो कहना सिर्फ धक्का गरीबों का, गरीबों का हो रहा, गरीबों की जान का खिलवाड़ हो रहा। मैं प्रशासन को मंग करना कि एक तो जो सफाई सेवक लगे हुए हैं उन्होंने 3-3 महीने की तनखा रोक के बैठे हुए हो, अपनी जाना से घेर के वो काम कर रहे हैं, और दूजा ये कि उत्तर जो हालात जोड़े वो ठीक किए जाए। डीसी साहब को कंप्लेन की खाने से, डीसी साहब आए जरूर और आर्डर भी दे गए हैं कि जी रसोई है इतने बने, इतने ही खाना बने, पर यहोजी हाले तक कहानी गल सुनने से नहीं मिली कि उसे कोई रसोई का प्रॉब्लम। दूसरी तरफ सीएमओ ने अपनी बात रखते हुए कहा कि कोविड-19 के मरीजों के लिए खाने का प्रबंध वहीं पर जल्द किया जाएगा। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਪੋਸੀਬਲ, ਔਰ ਜੋ ਡਾਇਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਟ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਬਣੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਡਾਇਟ ਚਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ।